प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। नाज़िया खान जी पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने शाही मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी है। जी हाँ, नाज़िया खान जी ने अपनी जान को जोखिम में डाल के मस्जिद में नमाज पढ़ी, जिससे पूरा शांति दूत समाज जो है वो भड़क उठा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया खान जी की पर्सनल राय, उनका एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो तवाफ औरतों के साथ करते हैं, और उस मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज भी सब एक साथ एक सफ में बैठ करके पढ़ते हैं, दुआएं भी एक साथ मांगते हैं। पर जैसे ही फ्लाइट मक्का से हज करके या उमरा करके भारत में लैंड करती है तो ये औरतों से घिन करना स्टार्ट कर देते हैं, औरतों को अपने बराबर ना समझना स्टार्ट कर देते हैं, औरतों को मस्जिद के अंदर एंटर करवाने से इनकी रूह कांपती है, इनको इनको इनका मेल ईगो जो है वो पुकारने लगता है कि वो मक्का था बेटा इसलिए साथ में कर लिए, अब यहाँ तुम्हारी हैंकड़ी चलेगी, यहाँ पर नहीं करने देना। तो ये जो दोहरा इस्लाम चल रहा है, इसको एकहरा इस्लाम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो लोग बीबी खतीजा से भी मोहब्बत करें, वो लोग हमारी छोटी अम्मी आयशा से भी मोहब्बत करें, वो लोग बीबी मरियम से भी मोहब्बत करें, और अगर बीबी मरियम मदर मैरी बन करके चर्च में है तो वहां पर भी जाकर के उनसे मोहब्बत करें। तो मैं ये करना चाहती हूँ। दूसरी बात कि हाँ, वाकई में मेरी जान खतरे में, मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर पहले भी बहुत अटैक हो चुके हैं, मेरी शक्ल को खराब करने की पहले भी बहुत कोशिश हो चुकी है, और मुसलमान मर्दों को सबसे ज्यादा मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी शक्ल से इतनी नफरत है। मैं नहीं जानती ये क्यों मेरी शक्ल से इतनी नफरत करते हैं, और मेरी शक्ल को खराब करने की हमेशा स्ट्रैटेजी वो करते रहते हैं। लेकिन रिफॉर्मेशन लाने के लिए मुजफ्फर भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, हमारी बहन बेट मुसलमान बहन बेटियों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। 2014 में मैंने आवाज उठाई थी और 2017 में मैंने तीन तलाक बंद करवा दिया। आज मुसलमान बेटियां खुश हैं ना, मैंने 2019 में आवाज उठाई थी पॉलीगेमी हलाला बैन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे मेरा चल रहा है। आज कहीं ना कहीं यूसीसी के बारे में हम बात सुनते हैं और कई राज्यों में भारत के यूसीसी लागू हुआ ना, और मुझे पता है बहुत जल्द पूरे भारत में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान बेटियां बच रही है ना, मुसलमान बेटियां पंख लगाकर उड़ने की ख्वाहिश तो पैदा कर रही है ना। कल तक तो मुसलमान बेटियां ख्वाहिश भी नहीं पैदा करती थी, कल तक तो मुसलमान बेटियां अपनी बातों को रख भी नहीं पाती थी कि वो पढ़ना चाहती हैं, वो शादी नहीं करना चाहती हैं। कल तक तो मुसलमान बेटियां ये बोल भी नहीं पाती थी कि जिस मर्द को आपने मेरे लिए निकाह के लिए चूज किया है, पसंद किया है, वो मेरे अब्बा के उम्र का है। कल तक मुसलमान बेटियां ये बोल नहीं पाती थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है, मुझे उड़ना है आकाश में, मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वेस्टर्न पहनना है, मुझे अपनी मर्जी से रहना है। ये मुसलमान बेटियां नहीं बोल पाती थी, मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे स्विमिंग चैंपियन बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये मुसलमान बेटियां नहीं बोल पाती थी। अब मुसलमान बेटियां बोल रही है, तो किसी को तो सामने आना था ना। और मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई की एक जान है मेरा, और जब हम खुदा लिखते हैं ना तो नुक्ता ऊपर होता है तो खुदा हो जाता है, और नुक्ता नीचे होता है तो जुदा हो जाता है। तो मैं इसी चीज को लेकर के मैं चल रही हूँ, एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले, और जो भी बंदा मेरा जान लेगा मुझे लगता है कि अल्लाह उससे भी सवाल पूछेगा, क्योंकि मैं कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैं हर वो रिफॉर्मेशन कर रही हूँ, हर वो चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें कुरान अग्री कर रहा है, कुरान कह रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि लाउड स्पीकर में अजान होने की जरूरत नहीं है, तो जब प्रॉफेट मोहम्मद गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे तो कोई लाउड स्पीकर चलता था क्या? कोई लाउड स्पीकर तो चलता नहीं था। अरब जो है लाउड स्पीकर बैन करवा चुका है, तो हम भी करवा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब अफ्तार पार्टी एक बिजनेस का जरिया बन चुका है, पैसा, मॉडर्न जजिया, भीख, चंदा कमाने का, क्यों तो अफ्तार पार्टी होगी? अरे हमें किसी को देना होगा तो हम गरीब को देंगे ना, जो बोल नहीं पा रहा है, जो सामने नहीं आ पा रहा है, जो जो अपने अपनी इज्जत के मारे वो भूख मर रहा है लेकिन सामने नहीं आ करके मांग पा रहा है, हम उस तक पहुंचाएंगे।
हम जा करके अफ्तार पार्टियां क्यों करेंगे और बड़े बड़े लोगों को बुला करके हम उनके सर पर टोपी पहना करके उनको अफ्तार क्यों खिलाएंगे, जिनकी जिनकी सलाहियत है लैविश लाइफ जीने की, उनके साथ अफ्तार पार्टी क्यों, ऐसा क्यों? तो अफ्तार पार्टी बंद होगी। अब उसके बाद रोड पर नमाज बंद होगी। हमारे भारत में बहुत सारे रिफॉर्मेशन मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत सारे रिफॉर्मेशन करूंगी। आज मैंने बिस्मिल्लाह किया है, बरकतल्ला अल्लाह मेरे साथ है और मैं इतनी खुशनसीब हूँ मुजफ्फर भाई, इतनी खुशनसीब हूँ मैं कि मेरे ऊपर भगवान राम की भी कृपा है, महाशिव जी की भी कृपा है और अल्लाह तबारक ताला का भी एहसान है और उनकी भी उनका भी मेरे ऊपर हाथ है। तो मैं तो चारों तरफ से पूरी भरी पूरी हूँ। मरेंगे मरेंगे देखा जाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ लीजिएगा आप पाकिस्तान में। सही बात है। तो इसमें कोई कानूनी जंग भी आप लड़ने का इरादा रखती हैं कि कोई इस तरह का आप चाहती हो कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया जाए कि मुसाजिद के अंदर जो है खवातीन है उनके लिए जगह जो है वो मुख्तस की जाए, उनको आजादी से नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए वहां पर? ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका में। मेरा एक हफ्ते के अंदर पिटीशन फाइल होने वाला है भारत के तमाम मजारों को तोड़ने के लिए और जो पिटीशन इतना इतना मतलब खूबसूरत है कि मैं आपको जरूर भेजूंगी, फाइलिंग हो जाने के बाद आप उसको पढ़िएगा। उसमें बजाफते मैंने पूरी पूरी आयतें लिखी हैं और उसकी मीनिंग लिखी है, मैंने उर्दू में भी लिखी है, अरबी में आयतें लिखी है, उर्दू में मीनिंग लिखी है और फिर उसको इंग्लिश में भी मैंने ट्रांसलेट करवाया है और उसको मैंने पूरा लिखा है कि भाई हमारा कुरान भी कहता है कि मजार परस्ती एक गुना है, इट्स एन अनपार्डनेबल सिन। बिल्कुल। तो आप वैसे जो मुसलमान खवातीन हैं वो आपके साथ इस जो आपका जो इकदाम है, आपने जो स्टेप लिया है वो आपके साथ खड़ी हुई हैं? आपको किसी ने मुबारकबाद दी इसके ऊपर कि आपने अब बहुत अच्छा कदम ये उठाया है? आज उनका क्या स्टैंड है वहां पर, जो भारत की महिलाएं हैं वो इस आपके इस आज के स्टेप को कैसे देख रही है? मुझे सऊदी अरबिया से ऑलमोस्ट 70-80 कॉल्स आ चुके हैं, मुझे बहरेन से और ईरान से ऑलमोस्ट 10-12 कॉल आ चुके हैं, मुझे भारत से इतने कॉल आ चुके हैं और अभी भी आ रहा है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ, रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। महिलाएं जैसे मैं अकेली चली थी 3 तलाक बैन कराने के लिए, काफिला अपने आप बन गया और मैं कभी किसी पर एक्सपेक्टेशन या डिपेंडेबल नहीं होती हूँ, ना मैं रिश्तों पर कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ ना डिपेंड करती हूँ और ना ही मैं किसी भी चीज पर, मैं अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, मैं अपने आप पर डिपेंड होती हूँ। तो मैं जब अकेली चली 3 तलाक को बैन कराने के लिए, काफिला अपने आप बन गया, लोग आ करके मेरे मुंह को चूमने लगे, मुझे गले लगाने लगे मुसलमान महिलाएं और मुझे उनको ऐसा लगने लगा कि अब नाजिया ही है जो हमारे दर्द को समझ सकती है। तो आज मेरे इस चैम्बर में या मेरे सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में 80% जो फाइल है वो मुस्लिम महिलाओं की है और वो अपने दर्द से को शेयर करने में मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। तो उसी तरीके से आज मैंने जो अकेली चली हूं मैं आज, और आने वाले कमिंग ईयर रमजान में पूरा काफिला लेकर चलूंगी, पूरा का पूरा काफिला लेकर चलूंगी, तब भी आपके साथ बैठकर बात करूंगी और कहूंगी कि देखिए मुजफ्फर भाई मैंने कहा था ना कि मैं गई तो अकेली थी शाही मस्जिद में, आज पूरा काफिला लेकर पहुंची हूँ। तो मैं अपने अपने ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन करती हूँ। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं, इसलिए उन पर एक्सपेक्टेशन रखना बहुत बड़ी बेवकूफी की अलामत होती है। खुद पर भरोसा रखना चाहिए, खुद से एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए और खुद से वायदा करना चाहिए कि अगर हम कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कानूनी प्रक्रिया तो मैं हमेशा करती हूँ, लीगल स्टेप मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मैं संविधान पर चलना चाहती हूँ। मजहब मेरे घर के अंदर है, 4 दीवारी के अंदर है और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मैं इस भारत की पुत्री होती हूँ, इस भारत की बेटी होती हूँ। तो मैं संविधान के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती हूँ जो वो मेरे अस्तित्व को हिला देगा। तो कानूनी प्रक्रिया मेरी चलती रहती है। बिल्कुल। तो आप जो मैं आपको ये बताऊं कि अभी लोग तो आपकी मुखालफत भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ वो खड़े हैं, आपके साथ हर किस्म की हिमायत का वो यकीन दहानी करवाते हैं। नीचे कमेंट्स में देखिएगा कि किस तरीके से लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूं कि कल को जब भारत की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब जो हिस्टोरियन लिखेगा तो आपका नाम जरूर लिखेगा कि उस वक्त एक नाजिया इलाही खान थी,
कि जो उस वक्त के जो जालिम समाज के खिलाफ उसने जिहाद का ऐलान किया था और अकेली निकली थी और उसने जो है वो जो है अपनी जान जो है खतरे में डाल वहां की उस वक्त की जो महिलाएं हैं उनके हकूक की जंग लड़ी और उस जंग में वो कामयाब हुई। तो ये मैं आपको इस चीज की मैं यकीन दानी कराता हूँ कि कल को जो हिस्टोरी लिखेगा उसमें आपका नाम जो है वो सुनहरे रूप के साथ लिखा जाएगा। आप जो एक नेक काम कर रही है, ये जिहाद कर रही है, तो इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस जंग में, इस जिहाद में आपके साथ खड़ा हूँ और मैं चाहूंगा कि भारत से भी जी सफल भाई, इस बहाने मुसलमानों को ये तो पता चला कि जिहाद असल में होता क्या है, क्योंकि हमारे भारत के मुसलमानों को तो सिर्फ गला रेतना ही आता है। अपने हक के लिए कितना पोलाइटली और कितनी इज्जत के साथ आप अपने हक को ले सकते हैं, आज उनको थोड़ा सा सैंपल तो दिया मैंने, थोड़ा सा एग्जाम्पल तो दिया मैंने कि बिना आवाज ऊंची करे और बिना बिना हाथ में तलवार लिए हम कैसे अपने हक को ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाया खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और आपने जानी नाजिया खान जी की पर्सनल राय और कैसे अपने हक के लिए नाजिया खान जी ने स्टैंड लिया। और दूसरी ओर आपने देखा जो शांति दूत समाज है वो इस पूरे मामले पे भड़क उठा है, पर आपने देखा नाजिया खान जी एकदम बोल्ड और एकदम हिंदुस्तानी शेरनी है जो निडर होके मस्जिद में गई और उन्होंने नमाज भी पढ़ी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।